अस्सलाम वालेकुम तो मार्केट में एक नया प्लेयर आ चुका है और वो है द सैमसंग गलेक्सी ए फिफ्टी स्मार्टफोन जिसकी ऑफिशियल प्राइस पैंसठ हज़ार रुपये रखी गई है आठ जी, जी बी रेम दो सौ छप्पन जी बी स्टोरेज वाले वेरिएंट की और छः एक सौ अट्ठाइस वाले की जो प्राइस है वो तिरपन हज़ार रुपये है और आज की इस वीडियो में मैं इस स्मार्टफोन को रेडमी नोट थर्टीन के साथ कंपेयर करूँगा जिसके ऑफिशियल प्राइस साठ हज़ार रुपये है आठ दो सौ छप्पन वाले वेरियट की और जो छः एक सौ अट्ठाइस वाला है वो तो मार्केट से गायब है वो मार्केट में मिल भी नहीं रहा तो आज मैं जो आठ दो सौ वाला वेरियंट है रेडमी का और जो गैलेक्सी फिफ्टीन का आठ दो सौ वाला है इन दोनों को आज मैं डिटेल से कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए और कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए कंपेरिजन का आगाज करते डिजाइन इन लुक के हवाले से पहले बात करते हैं सैमसंग गलेक्सी फिफ्टीन स्मार्टफोन के डिजाइन के हवाले से स्मार्टफोन का जो डिजाइन है काफी फेमिलियर डिजाइन है रियर साइड पर वर्टिकल शेप में ट्रिपल कैमरा सेटअप एयर डिफ्लेट दिया गया और स्मार्टफोन का जो साइड है वो प्लास्टर का दिया गया है जो कि मेट फिनिशिंग डिजाइन के साथ आता है और स्मार्टफोन चार कलर्स में हो चुका है ब्लैक कलर है मैजिकल ब्लू, ब्लू कलर है और पर्सनालिटी येलो कलर दिया गया है और बॉटम साइड पर सैमसंग की ब्रांडिंग भी दी गई है है स्मार्टफोन एक बॉक्स के फ्रेम साथ आता और ये जो फ्रेम है प्लास्टिक का दिया गया है जो की एट पॉइंट थिक है और दो ग्राम इस मार्टून का वेट दिया है और स्मार्टफोन एक साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है और ये स्मार्टफोन किसी भी तरह की आई रेटिंग के mm साथ नहीं आता देखो स्मार्टफोन की जो ऑफिशियल प्राइस है वो सठ हजार रुपए है और यकीन जाने इस प्राइस में आईपी रेटिंग ना देना समय बिल्कुल भी बाहर है ऑफिशियली इनने कभी भी नहीं बोला है अब यहाँ पर सपोर्ट करता है ये नहीं करता सबसे बड़ी बात वो नहीं ये बात ये कि सपोर्ट का जो सर्टिफिकेशन है वो क्यों नहीं लिया है और क्यों मेंशन नहीं किया है जबकि अगर बात करूं Note नोटीन की तो इस मारो का जो डिजाइन है काफी एक रिफ्रेशिंग डिजाइन है रियर साइड साइड पर पर ट्रिपल कैमरा कैमरा राइट ब्रांडिंग और रेडमी की ब्रांडिंग दी गई है स्मार्टफोन का जो बैक साइड है वो प्लास्टिक का दिया गया जो की ग्लॉसी फिनिशिंग डिजाइन के साथ आता है ये स्मार्टफोन भी चार कलर में एनवील हो चुका है ब्लैक कलर है ग्रीन कलर है ब्लू कलर है और ओशन सेट कलर दिया गया है और स्मार्टफोन एक बॉक्स फ्रेम के साथ आता mm पांच हजार रुपए सस्ता भी है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो दोनों की एक जैसी ही है और रेडमी नोट थर्टीन आई पी फिफ्टी फोर की रेटिंग के साथ भी आता है तो यकीन यहाँ पर मैं रेडमी नोट थर्टीन को चूज करता हूँ वो स्मार्टफोन ज्यादा बेहतर है डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो यकीन यहाँ पर भी आपको एक क्लियर विनर मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी फिफ्टीन स्मार्ट में दिया गया सिक्स पॉइंट फाइव इंच का एक फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन वाला एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले दिया है जो कि नाइन ईयर्स के हाई रिप्रिशिएट के साथ आता है एक ड्यूरोप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है स्मार्टफोन आठ सौ यूनिट की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है और पिछासी परसेंट की स्क्रीन टू बॉडी रोश दी गई है और यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है जबकि अगर बात करूं रेडमी नोट थर्टीन की तो इस मार्टून में दिया गया सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंच का एक फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन वाला एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले जो कि की हाई ट्वेंटीट के साथ आता है एक सेंटर कैमरा दिया गया स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है अठारह सौ की पीक ब्राइटनेस दी गई है और फ्रंट पर गोरला ग्लासरी की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है यकीन जाने यहाँ पर डेफिनेटली रेड नोट थर्टीन विनर है क्योंकि ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश डिस्प्ले के साथ आता है रिफ्रेश भी ज़्यादा है पाँच कैमरा भी दिया गया और जो बेज जो चिन्ह है भाई साहब वो इतने कम और इतने पतले हैं कि एक अस्सी हज़ार वाले स्मार्टफोन को आराम से टक्कर देता है और अच्छी बात है कि स्मार्टफोन फिगन पीस के डिस्प्ले में देता है फ्रंट पर गोरला ग्लास की प्रोटेक्शन भी है और डिस्प्ले जो ब्राइटनेस है वो भी मैक्सिमम दी गई तो किरण यहाँ पर डेफिनेटली रेड नोट थर्टीन जो वो है वो विनर पर है परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी फिफ्टीन स्मार्टफोन में दिया गया है मीडिया टेक हीरो जी नाइनटी नाइन का प्रोसेसर जो कि सिक्स एन पर बेस है और मान्य जी फिफ्टी सेवन का जीपीओ दिया गया है स्मार्टफोन आठ जीबी रैम दो सौ छप्पन जीबी स्टोरेज वाले वेरियंट में आता है UFS का स्टोर टाइप दिया गया और स्मार्टफोन एंड्राइड फोर्टीन के साथ आता है जो कि UI 6 की वन यू सिक्स के वर्जन पर बेस्ड है जो परफॉर्मेंस सेगमेंट है वो काफी ठीक ठाक है लाइक साठ हजार पैसठ हजार में जी नाइनटी नाइन मिलता है तो मैं यहाँ पर ज्यादा गिला शिकवा नहीं करना चाहूंगा लेकिन मुझे रेडमी नोट थर्टीन से गिला जरूर है क्योंकि ये काफी एक अंडर पावर प्रोसर के साथ आता है जो की सिक्स एन एम पर बेस्ड है और जीपीओ दिया गया है जो एफ एस टू पॉइंट टू का और एंड्राइड थर्टीन के साथ आता है जो की पर जो परफॉर्मेंस सेगमेंट है वो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी फिफ्टीन विनर है क्योंकि जी नाइन्टी नाइन ज़्यादा बेटर है ज़्यादा आप्टीमाइज है और ऊपर से ये जो स्मार्टफोन एंड्राइड फोर्टीन के साथ आता है और साथ में वन यू आई का वज है जो कि एक रन काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम किस्म का है यू आपको देखने को मिल जाता है और वन यू और यू आई का वज बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है वन यू आई कई ज़्यादा बेटर है कई ज़्यादा क्लीन और अपीमाइज है और उसको मैं ज़्यादा बेहतर करा देता हूँ तो जो परफार्मेंस सेगमेंट है वहाँ पर सैमसंग गलेक्सी ए फिफ्टीन विनर है कैमरा डिपार्टमेंट की बात कीजिए तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है सैमसंग स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है एफ वन पॉइंट एट के साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइट कैमरा और 2 मेगापिक्सल का का सेंसर दिया है जबकि रेड मोट थर्टी में मेन कैमरा एक का दिया गया एफ वन के साथ आठ मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइट कैमरा दिया गया और दो मेगा पिक्सल का माइक्रो सेंसर दिया है और फ्रंट पर गलेक्सी फिफ्टीन में डी ड्रो अपनोच में तेरह मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है जबकि रेडमी नोट थर्टीन में, में सेंड्रल पंचल कैमरा में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है सैमसंग गैलेक्सी फिफ्टीन स्मार्टफोन टेन ए सिक्सटी एपी पर रिकॉर्डिंग कर सकता है रियर साइड पर भी और फ्रंट पर भी जबकि रेडमी नोट थर्टीन टेन टीपी थर्टी एपीएस पर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकता है रियर कैमरा से भी और फ्रंट कैमरा से भी कैमरा की बात कीजिए तो दोनों स्मार्टफोन बहुत ही एक आर्डनरी कैमरा सिस्टम के साथ आते हैं और मैं आपको बिल्कुल भी दोनों स्मार्टफोन कैमरा वाइज रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपको एक बेटर कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आपको इन्फेट जीरो थर्टी की तरफ जाना चाहिए रेडमी नोट थर्टीन प्रो की तरफ जाना चाहिए या फिर टेक्नो स्पार ट्वेंटी प्रो प्लस की तरफ जाना चाहिए ये दोनों स्मार्टफोन कैमरा के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं बैटरी एंड चार्जिंग की बात करूँ तो यहाँ पर गलेक्सी ए फिफ्टीन स्मार्ट में पाँच रम एच की बैटरी दी गई है पच्चीस वाट की फास्ट चार्ज दी गई है टाइप सी पोर्ट एट फोन जेक और एक सिंगल स्पीकर दिया है जबकि रेडमी नोट थर्टीन में पाँच रम एच की बैटरी दी गई है तैंतीस वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है टाइप सी पोर्ट एट फोन जेक और डुअल रो स्पीकर के साथ आई आर ब्लास्टर भी दिया गया है यकीन यह यहाँ पर रेडमी नोट थर्टी बैटरी जो कि डोसरो स्पीकर के साथ आता है आई आर ब्लास्टर भी दिया गया और जो फास्ट चार्जिंग वो भी थोड़ी ज़्यादा है तो ये कहना रेडमी नोट थर्टीन एक बार फिर से विनर है देखो कंक्लूजन तो ये कि रेडमी नोट थर्टीन जो वो पाँच हज़ार रुपये सस्ता भी है और कई डिपार्टमेंट में ज़्यादा बेटर भी है अब आपको कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए ज़्यादा बेटर है आप किस लिए स्मार्टफोन बाई करना चाहते हैं डिटेल से मैंने डिस्कस किया अपने हिसाब से आप एक बेहतर स्मार्टफोन चूज़ कर सकते हो चूज़ वाइजली अल्लाह हाफिज़